तो स्टूडेंट्स देखिए, हम लोगों ने पहले 5 टर्म की बात कर ली है ना, रेट की बात कर ली है, डेल्टा की बात कर ली है ना, इन्फिनिटी, इन्फिनाइटसिमली स्मॉल, इंटरवल ऑफ टाइम और मोमेंट ऑफ टाइम, इन सब की बात कर ली है ना। अब हम कुछ सिचुएशंस पे आते हैं ताकि हमें चीजें और अच्छे से समझ में आए। उसमें अब हम रेट निकालेंगे है ना। तो जैसे कि मैं आपको सिचुएशन दूं, इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर अपना एक ट्री है, ट्री, और ट्री को आप ओरिजिन मान लो, ट्री अपना ओरिजिन है। मतलब जो भी आप पोजीशन कैलकुलेट करोगे, पोजीशन किसी भी बॉडी की, वो इस ट्री से करोगे। तो ट्री को आपने ओरिजिन मान लिया है ना बच्चों। तो इसके बाद फिर आप देखें इसको आप फर्दर कैसे करेंगे। ऐसा ट्री है, ट्री को आपने ओरिजिन मान लिया। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी है ना, एक मैन है। तो वो मैन सबसे पहले ओरिजिन पे खड़ा हुआ था, ओरिजिन पे था है ना मैन। तो क्या हुआ, हमने क्या किया कि हमने बोला कि ये जो मैन है ये अपनी पोजीशन जब चेंज करता है, मान लो ये एक्स एक्सिस पे, तो उसकी पोजीशन कुछ इस फॉर्म में चेंज होती है। उसका हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, मतलब आप ऐसा मान लो 4t, यानी टाइम के साथ उसकी पोजीशन ऐसे चेंज होती है ना, और ये मीटर्स में है जो भी है, और t सेकेंड्स में लेना है। तो ध्यान से देखो, 4t का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे t की वैल्यू 0 डालोगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे ये जो मैन है ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे होगा। जब आप t की वैल्यू 0 डालोगे बच्चों, तो t=0 पे मैन की जो पोजीशन है वो क्या है, x=0, क्योंकि 4 × 0 = 0। तो यानी कि वो ओरिजिन पे ही है। उसके बाद आप t की वैल्यू 1 सेकेंड डालो, 1 सेकेंड, तो t=1 सेकेंड पर मैन की पोजीशन क्या हो जाएगी, आप देखो इस आदमी की पोजीशन क्या हो जाएगी। टी की वैल्यू 1 डालो तो देखोगे आप, तो आपको एक्स की वैल्यू आएगी 4 × 1, मतलब 4 मीटर्स। यानी कि 1 सेकेंड पे ये आदमी किस पोजीशन पे आ गया, ट्री से कितने आगे आ गया है, 4 मीटर्स पे। वैसे टी की वैल्यू 2 डालो आप, t=2 सेकेंड, तो मैन की अब नई पोजीशन क्या हो जाएगी बच्चों, 4 × 2, 8 मीटर। फिर आप देखें t=3 सेकेंड, तो आपको 3 × 4, तो उसकी पोजीशन क्या मिल जाएगी, 12 मीटर। वैसे आप t=4 सेकेंड डालो तो आपको क्या मिल जाएगी उसकी पोजीशन, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको 16 मीटर है ना। तो इस तरीके से मिल रही है, यानी कि आप ध्यान से देखो तो टाइम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से उसकी क्या है बच्चों, पोजीशन चेंज हो रही है। अब इसकी जो पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, मतलब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास एक रेट आ जाएगा, उस रेट का नाम है वेलोसिटी। वो हमें बताएगा कि ये आदमी कितनी रफ्तार से चल रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है ना बच्चों। तो हम उसको लिख लेते हैं, यानी कि हम यहाँ पे रेट निकाल सकते हैं। ये रेट, रेट जिसको आप एवरेज रेट भी बोलते हो, मैंने आपको रेट में समझाया था, जब लार्ज चेंज निकाला जाता है डेल्टा का यूज किया जाता है, तो आप ऐसा लिख सकते हो रेट को, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, और चेंज इन पोजीशन मीटर्स में, और चेंज इन टाइम सेकंड्स में, तो मीटर पर सेकंड। ये बच्चों क्या है, ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसको तो हम वेलोसिटी बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वेलोसिटी भी एक रेट है, मतलब दो फिजिकल क्वांटिटीज के चेंज का रेशियो ही है। ये बता रहा है कि पर सेकंड में आदमी कितनी पोजीशन चेंज कर रहा है, कितनी दूरी पे जा रहा है, 1 सेकंड में वो कितनी दूरी कवर करता है। तो ये एक रेट है, एवरेज रेट है ना, जिसको हमने क्या बोला हुआ है, वेलोसिटी। तो हमने इस एवरेज रेट का नाम रख दिया अलग से उसको पहचानने के लिए, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी रख दिया। वैसे आप चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम करोगे तो एक नया रेट आ जाएगा, उसका हम नया नाम रख देंगे, उसको हम बोल देते हैं क्या बच्चों, एक्सलरेशन। फिर ऐसे ही आपको रेट पढ़ने को मिलेगा जब आप फोर्स पढ़ोगे, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम है ना, 9th में पढ़ा होगा। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम भी एक रेट है, और उस रेट का नाम हम क्या रख देते हैं बच्चों, फोर्स है ना, फोर्स। तो ये एवरेज रेट अपना डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक। अब ये वेलोसिटी होता है, तो हम इस जो मैन है उसकी हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं फॉर डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखिए वो कैसे निकालेंगे, उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि t=0 सेकंड पे 0 था, और t=1 सेकंड में 4 मीटर,
मतलब 1 सेकंड में इस आदमी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 मीटर। फिर 2 सेकंड में, 1 से 2 सेकंड में भी कितना डिस्टेंस कवर किया, 8 माइनस 4 तो 4 मीटर। 2 से 3 सेकंड में भी कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चों, 4, तभी तो 8 प्लस 4 कितना हुआ, 12, और 4 सेकंड। मतलब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि ये जो मैन है, मैन कवर्स इक्वल डिस्टेंस, देखो मैन कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। आप हर सेकंड पे देखो ये 4 मीटर ही कवर कर रहा है, तो हर इंटरवल में वो कैसी डिस्टेंस कवर कर रहा है, मैन कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हर सेकंड में वो सेम डिस्टेंस कवर करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बच्चों ये कैसा मोशन है, ये आपने 9th में पढ़ा है, तो इट इज अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें ये आपका कैसा मोशन है बच्चों, ये है यूनिफॉर्म मोशन, है ना। 9th में आपने पढ़ा होगा कि ऐसा मोशन जिसमें कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट या कोई मैन इक्वल डिस्टेंस कवर करता हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम कैसा मोशन बोलते थे बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन, है ना। अब जरा हम इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल के देखते हैं, एवरेज रेट निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम, अब हमें एवरेज निकालना है तो हमें इंटरवल फिक्स करना पड़ेगा, किसी टाइम इंटरवल के लिए निकालना पड़ेगा, है ना। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ मुझे तो 0 से 4 सेकंड तक का इंटरवल चाहिए, यानी कि मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए, एवरेज रेट चाहिए, और कितने से कितने टाइम के लिए चाहिए बच्चों, 0 से लेकर 4 सेकंड तक। तो यहाँ पे मेरा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखूंगा मैं, और डेल्टा एक्स मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब देखो फाइनल पोजीशन क्या है, आपको फाइनल पोजीशन 4 सेकंड पे चाहिए, तो टाइम की जगह 4 सेकंड डालो, तो 4 सेकंड पे पोजीशन क्या है, 16 मीटर। माइनस इनिशियल, इनिशियल टी इक्वल टू 0 पे चाहिए, तो टी इक्वल टू 0 पे इनिशियल पोजीशन क्या थी, 0। डिवाइड बाई फाइनल टाइम, तो 4 सेकंड्स माइनस इनिशियल टाइम, तो 0। तो ये आंसर आएगा आपका मीटर पर सेकंड में। तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये आएगा 16/4, और 16/4 मतलब 4 मीटर पर सेकंड। तो आपका 0 से 4 सेकंड के इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी कितनी आई, एवरेज रेट कितना आया, 4 मीटर पर सेकंड। अब आपसे बोला जाए कि भाई सेकंड वी एवरेज बताओ मुझे तो किसी और इंटरवल के लिए बताओ, आप तो 2 से लेकर 4 सेकंड तक बताओ, 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में मुझे एवरेज चाहिए। तो वही फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन 4 सेकंड पे, तो 4 सेकंड पे हम क्या रख देंगे बच्चों, यहाँ पे फाइनल पोजीशन 16, माइनस इनिशियल जो टाइम है वो 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड पे पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन 8 मीटर है, क्योंकि 2 से 4 सेकंड के लिए चाहिए ना अपन को। और अपॉन में यहाँ पे क्या कर दोगे बच्चों, फाइनल टाइम 4 और इनिशियल टाइम 2, तो देखो ये कितना जाएगा, 16 माइनस 8 8, और 4 माइनस 2 2, तब भी कितना आंसर आया बच्चों, 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड आप चाहें तो एवरेज वेलोसिटी दूसरे इंटरवल के लिए निकाल के देखो, हमने वी एवरेज निकालने अगर किसके लिए बच्चों, 1 से 3 सेकंड के लिए, 1 से 3 सेकंड्स के लिए, और फिर देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो देखो फाइनल टाइम 3 सेकंड है, तो 3 सेकंड्स पे पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन 12, माइनस 1 सेकंड पे इनिशियल पोजीशन क्या थी बच्चों, 4। डिवाइड बाय 3 फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम कितना हो गया बच्चों, 1। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज आल्सो बिकम्स 8/2 व्हिच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। अब आप ध्यान से देखो तो किसी भी इंटरवल के लिए आप निकाल लो, किसी भी इंटरवल के लिए, 0 से 2, 0 से 3, 0 से 4, 0 से 1, 1 से 2, 1 से 3, किसी भी इंटरवल के लिए निकालो, देखो आंसर आपका हमेशा सेम ही आ रहा है, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। और ये आना भी चाहिए था, क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी तो बच्चों कांस्टेंट होती है पूरे मोशन के दौरान, तभी तो उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, ऐसा आपने 9th में पढ़ा होगा। और देखो आप किसी भी इंटरवल में देखो, हर हर समय पे आपकी वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकंड आ रही है, मतलब इस पार्टिकल की वेलोसिटी, इस मैन की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, क्योंकि वो कैसा मोशन कर रहा था, यूनिफॉर्म मोशन। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। लेकिन अब मैं यहाँ पे एवरेज नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे इंस्टेंटेनियस बताओ, मोमेंट पे बताओ, मान लो कि t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पे उसकी कितनी वेलोसिटी रही होगी, t इक्वल्स टू 2 सेकंड में, तो कैसे बताओगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे एवरेज नहीं चाहिए भाई, एवरेज तो आपने बता दिया इंटरवल में निकाल के, अब मुझे चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे बताओगे, वो भी कहां पे चाहिए, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे, एग्जैक्टली 2 सेकेंड्स पे बताओ, ना 2 सेकेंड से पहले की बात हो रही है ना 2 सेकेंड्स के बाद की बात हो रही है, एग्जैक्टली आपको 2 सेकेंड्स पे बताना है, 2 सेकेंड्स पे बताना है कि आपकी कितनी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है। तो हम कैसे बताएंगे भाई, कैसे इसको पहचानेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए, कि आपका जो फाइनल टाइम है वो भी 2 सेकेंड्स है ना, 2 सेकेंड्स पे ही खत्म करना है, और शुरू भी कहां से करना है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस है, मोमेंट है, तो इनिशियल टाइम भी आपका 2 सेकेंड्स होगा बच्चों, मतलब शुरू भी 2 सेकेंड पे हुआ, खत्म भी 2 सेकेंड हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देखें, तो अगर आप डेल्टा टी निकालेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, यानी कि आपका जो डेल्टा टी है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, 2 सेकेंड पे शुरू और 2 सेकेंड पे ही खत्म, तो इट इज वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल विच इज टेंडिंग टू 0। तो इसको हम क्या लिखते हैं बच्चों, इसको हम डेल्टा टी नहीं लिखते हैं, याद है मैंने आपको बताया था डी टी लिखते हैं, डी टी। तो डी टी इज द इंटरवल विच इज वेरी वेरी स्मॉल एंड टेंडिंग टू 0, एंड टेंडिंग टू 0, है ना। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ पे डेल्टा यूज नहीं करेंगे, डेल्टा किसके लिए यूज करते हैं, एवरेज के लिए, और इंस्टेंटेनियस के लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चों, डी टी। तो सोचो जब डी टी बहुत कम है 0 के पास, 0 के पास, तो सोचो इतने टाइम में इसने डिस्टेंस भी कितनी कवर की होगी, बहुत छोटी सी, लगभग 0 के बराबर, तो हम डिस्टेंस बोलेंगे डीएक्स, पोजिशन बोल देंगे डीएक्स, बहुत स्मॉल होगा ना। आप सोचो जब टाइम बहुत छोटा है तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो एक्स होगा चेंज इन पोजिशन वो भी बहुत छोटा होगा, लगभग लगभग टेंडिंग टू 0, तो हम उस पोजिशन को बोलेंगे डीएक्स। अब आप सोचो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, जहां पे डेल्टा एक्स था वहां पे स्मॉल चेंज इन पोजीशन डीएक्स आ जाएगा अपॉन डीटी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो डीएक्स भी 0 के लगभग है और डीटी भी 0 के लगभग है, तो 0 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, 0 अपॉन 0 हो जाएगा बच्चों क्या, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, 0 अपॉन 0 डिफाइंड थोड़ी ना है भाई, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है, क्या 0 अपॉन 0 यहाँ पे आंसर 0 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड है कि कुछ डिफाइंड होगा, अरे ऑब्वियस सी बात है वो चल रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी बच्चों, लेकिन गड़बड़ क्या हुई कि जो अभी तक हम 10th की मैथ्स सीखते आए हैं, 10वीं की गणित हम जो जानते हैं, 10वीं तक की जो मैथ्स जानते हैं, वो मैथ्स इस सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब हमें एक नए मैथमेटिक्स की जरूरत है, क्योंकि लॉजिकली सोचो 2 सेकंड पे उसकी रफ्तार 0 नहीं होगी, अगर आप लॉजिकली सोचें तो इसका हर इंटरवल पे रफ्तार कितनी थी, 4 मीटर पर सेकंड, मतलब हर पॉइंट पे जो इसकी स्पीड थी वो कितनी थी, 4 मीटर पर सेकंड, तो 2 सेकंड पे भी कितनी रही होगी, अगर आप लॉजिकली सोचो 4 मीटर पर सेकंड, भाई हर इंटरवल में उसका जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकंड है हर समय पर, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन, तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब 2 सेकंड्स पे उस इंस्टेंट पे भी इसकी रफ्तार कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकंड। तो आप इसको लॉजिकली बता सकते हो, कॉमन सेंस से बता सकते हो कि बच्चों कि इसकी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टू इक्वल टू टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म मोशन में कोई दिक्कत नहीं है, आप यूनिफॉर्म मोशन में किसी भी टाइम पर वेलोसिटी बता सकते हो, क्योंकि पूरे मोशन के दौरान उसकी वेलोसिटी को तो कॉन्स्टेंट ही रहना है, उसकी वैल्यू तो बदलनी ही नहीं है। लेकिन आप ध्यान से देखो तो आप मैथमेटिक्स फेल हो चुका है, यहाँ पे जो अभी तक आप मैथ्स जानते हो वो फेल हो गई, वो मैथ्स हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैथ्स से तो आंसर आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब हमें नई मैथमेटिक्स की जरूरत है, और ये जो नई चीज की जरूरत पड़ी, ये सिचुएशन न्यूटन के सामने आई थी, न्यूटन भी फंस गए थे इसको सॉल्व करते करते, इसलिए न्यूटन ने पहले एक नई मैथमेटिक्स जनरेट की जिसको बोला गया कैलकुलस, और उसमें जो पहला पार्ट है जो इस सिचुएशन को सॉल्व कर पाएगा उस मैथ्स का नाम दिया गया डिफरेंशिएशन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी, और अब आप डिफरेंशिएशन समझ जाओगे कि डिफरेंशिएशन है क्या, है ना बच्चों। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लो, देखो यूनिफॉर्म मोशन वाले में तो आप लॉजिकली बता सकते हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन आप मैथ्स से नहीं निकाल पाए वो चीज, 0 अपॉन 0 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, यानी कि मैथ्स आपका आंसर नहीं दे पा रहा है, जबकि उसको कितना आंसर देना चाहिए था, 4 मीटर पर सेकंड। इसलिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, एक नई मैथ्स की जो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे पाए, इंस्टेंटेनियस रेट दे पाए। एवरेज रेट निकालना तो हमें आता था,
बट इंस्टेंटेनियस रेट नहीं निकाल पा रहे थे, है ना। तो इस बात को आप अच्छे से शायद समझ चुके होंगे, है ना। तो इसको आप नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक और सिचुएशन को फॉलो करते हैं। अभी मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन की सिचुएशन बताई, तो सिचुएशन नंबर टू में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैसे ही आपका जो ओरिजिन है, रेफरेंस पॉइंट है, वो एक ट्री को मान लेंगे हम कि ये अपना रेफरेंस पॉइंट है ना, मतलब इसी को ओरिजिन मान लिया गया है 0,0। और उसके बाद फिर एक जो व्यक्ति है, मैन है, अब वो मोशन कर रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा वो अलग टाइप का मोशन कर रहा है। अब वो जो इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए मोशन कर रहा है वो है x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे पोजीशन की बारे में बात करें तो जब t इक्वल्स टू जीरो टाइम था, जीरो टाइम, जीरो सेकंड, तो आपको पता चल रहा है कि x भी जीरो रहा होगा, मतलब वो ओरिजिन पे ही था, है ना। फिर आप इसको t इक्वल्स टू वन सेकंड रखें, t इक्वल्स टू वन सेकंड, तो देखो ये मैन कहाँ पहुंच चुका होगा। t इक्वल्स टू वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर वन ही आएगा, तो वन मीटर, तो x इज इक्वल्स टू वन मीटर, है ना। फिर आप t इक्वल्स टू टू सेकंड रखें बच्चों, 2 सेकंड पे रखेंगे तो मैन कहाँ पहुंच चुका होगा, आप सोचो, 2 का स्क्वायर चल रहा है ना, t स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 मीटर, है ना। फिर आप इसमें 3 रखें, t इक्वल्स टू 3 सेकंड्स रखें, तो मैन कहाँ पहुंच चुका होगा बच्चों, देखो आप, x इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, मतलब 9 मीटर, तो वो 9 मीटर पे है 3 सेकंड्स में। और फिर t इक्वल्स टू 4 सेकंड्स, तो 4 सेकंड्स पे देखो ये आदमी कहाँ पहुंच चुका होगा, 4 का स्क्वायर, तो 16 मीटर्स, तो 16 मीटर्स, है ना। अब आप ध्यान से देखो तो इसमें कुछ अलग पैटर्न समझ में आ रहा है, जो हमने पहले सिचुएशन देखी थी। इसमें आप हर सेकंड पे देखो, पहले 1 सेकंड में वो 1 मीटर चला, फिर दूसरे सेकंड में वो 4 माइनस 1 3 मीटर चला, फिर तीसरे सेकंड में 5 मीटर चला, और फिर चौथे सेकंड में वो 7 मीटर चला। मतलब यहाँ पे वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर सेकंड में उसकी दूरी जो है, हर 1 सेकंड में जो उसकी दूरी है जो कवर कर रहा है, वो अलग अलग दूरी कवर कर रहा है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मैन कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, मैन कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर 1 सेकंड में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इंटरवल ऑफ टाइम। तो बच्चों ये कैसा मोशन होता है, ये भी 9th में आपने पढ़ा है, दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और प्रैक्टिकली जो हमारा मोशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। रियल लाइफ में तो कैसा मोशन होता है बच्चों, अगर रियलिटी से जोड़े तो हमारा जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्म मोशन तो है ही नहीं। तो ये हमारे ज्यादा काम की चीज है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो मैन कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे एक सेट पैटर्न है, हालांकि रियल लाइफ में ऐसा कोई पैटर्न भी नहीं होता है, लेकिन हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि ये किस टाइप का मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, इसको हम अब रेट से भी देख लेते हैं, मतलब चेंज इन पोजिशन अपॉन चेंज इन टाइम, तो हम वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं। तो एवरेज रेट की बात करेंगे हम, तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है बच्चों, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, है ना। अब हमें इस रेट को निकालना है, एवरेज रेट को निकालना है, मतलब वेलोसिटी को निकालना है। अब हम इसको किसी अलग अलग इंटरवल के लिए निकाल के देखते हैं और देखते हैं क्या कॉन्सिक्वेंसेज बनते हैं। तो जैसे फर्स्ट केस, मैं एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहता हूं किस इंटरवल में, 0 से लेकर 4 सेकंड्स के इंटरवल में, तो निकाल लेते हैं भाई। तो यहाँ पे फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन डेल्टा एक्स था अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब फाइनल पोजीशन फाइनल टाइम पे होगा, मतलब 4 सेकंड्स पे जो पोजीशन है, तो 4 सेकंड्स पे क्या पोजीशन है आपके सामने लिखा हुआ, 16 माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन बच्चों 0, क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पे पूछा गया है, डिवाइड बाय फाइनल टाइम 4 माइनस इनिशियल टाइम 0, तो देखो ये कितना जाएगा बच्चों, 4 मीटर पर सेकंड। फिर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक काम करो, आप एवरेज वेलोसिटी निकालो किसी दूसरे इंटरवल के लिए, एक काम करो आप 0 से 2 सेकंड्स के लिए निकालो, 0 से 2 सेकंड्स के लिए। तो बच्चों फिर से हम क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो फाइनल पोजीशन फाइनल टाइम पे होगा, फाइनल टाइम 2 सेकंड्स लिया हुआ है हमने, तो 2 सेकंड्स पे देखो पोजीशन क्या है बच्चों, 4, और 0 सेकंड्स पे पोजीशन 0 है, अपॉन
टू माइनस जीरो, तो देखो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 4/2, मतलब 2 मीटर पर सेकंड। देखो 0 से 4 सेकंड के इंटरवल में वेलोसिटी अलग है और 0 से 2 सेकंड्स के इंटरवल में वेलोसिटी अलग है। ऐसी हम देखो ऐसे निकाल लेते हैं, थर्ड वाला एवरेज वेलोसिटी किस इंटरवल के लिए, 3 से 4 सेकंड्स के इंटरवल के लिए निकाल लेते हैं, 1 सेकंड के इंटरवल के लिए। तो ध्यान से देखो, 4 सेकंड पे फाइनल पोजिशन 16 है, -3 सेकंड्स पे इनिशियल पोजिशन 9 है, फाइनल टाइम 4 -3, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो आप, तो 16 - 9 7/1, यानी कि 7 मीटर पर सेकंड। देखो फिर से अलग आ गया। ऐसे ही आप दूसरे इंटरवल के लिए देखो, तो इसमें हर इंटरवल पे वेलोसिटी अलग अलग है, यानी कि ये वो केस है जिसमें वेलोसिटी इज नॉट इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। आपकी जो वेलोसिटी है बच्चों वो कॉन्स्टेंट नहीं है, वो लगातार चेंज हो रही है, हर इंटरवल पे चेंज हो रही है। और सही बात भी है कि वेलोसिटी को कॉन्स्टेंट होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो कैसा मोशन है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म। और आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी हर समय पे चेंज होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है, वेलोसिटी लगातार चेंजेस। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस हर इंटरवल पे चेंज हो रही है, कभी कुछ वैल्यू, कभी कुछ वैल्यू, कभी कुछ वैल्यू, है ना, कभी 2 मीटर पर सेकंड, कभी 4 मीटर पर सेकंड, कभी 6 मीटर पर सेकंड, कभी 7 मीटर पर सेकंड, कुछ भी हो सकती है। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे तो ये एवरेज नहीं चाहिए था, मुझे तो आप इंस्टेंटेनियस बताओ, मुझे कौन सी वेलोसिटी चाहिए बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और वो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए मुझे कहां पर, एट टी इक्वल्स टू 3 सेकंड्स पे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई बताओ कि एग्जैक्टली 3 सेकंड्स पे, ना 3 सेकंड से पीछे ना 3 सेकंड्स के बाद, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना। ये जो एवरेज है ना, ये आपको ओवरऑल आइडिया देता है, ओवरऑल आइडिया, लेकिन ये एग्जैक्ट आइडिया नहीं देता है। एवरेज गिव्स यू ओवरऑल आइडिया, बट अगर आपको एग्जैक्ट आइडिया चाहिए तो कौन सी वेलोसिटी चाहिए आपको, उस पर्टिकुलर टाइम पर आपकी एग्जैक्ट सिचुएशन क्या थी, ये कौन बता सकता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस जो चीज है ना, ये आपको एग्जैक्ट आइडिया प्रोवाइड करती है, गिव्स यू एग्जैक्ट आइडिया अबाउट द सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, यानी कि जो आपका समय है वो 3 सेकंड से ही शुरू हो और 3 सेकंड पे ही खत्म हो, यानी कि जो आपका टाइम इंटरवल है वो टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए। तो टेंडिंग टू जीरो टाइम इंटरवल को हम क्या लिखते हैं बच्चों, dt। dt तो होता है जो इनफिनिटेसिमली स्मॉल, विच इज टेंडिंग टू जीरो। अच्छा, dt में इतने कम समय में 3 से ही शुरू और 3 पे ही खत्म, तो चेंज इन पोजिशन भी क्या होगा, तो चेंज इन पोजिशन भी dx हो जाएगा, विच इज ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि इतने समय में, जीरो समय में तो वो बहुत कम, लगभग जीरो के बराबर ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो आपकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है एट टी इक्वल्स टू 3 सेकंड, उसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, dt/dx। तो आप बोलोगे सर ये तो 0/0 आ रहा है, तो फिर से क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये सही है, क्या ये नॉट डिफाइंड हो सकता है, ये नॉट डिफाइंड नहीं हो सकता भाई, क्योंकि आपको पता है ये लगातार मोशन में है, तो 3 सेकंड पे इसकी कुछ तो रफ्तार रही होगी कि। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने dt/dx बोल दिया गलती से, ये dx है ना, चेंज इन पोजिशन अपॉन चेंज इन टाइम, तो dx/dt होना चाहिए, dx/dt। तो dx भी जीरो के लगभग है और dt भी जीरो के लगभग है, तो फिर तो ये नॉट डिफाइंड है, ऐसा तो होगा नहीं, बट प्रैक्टिकली तो ये गलत है ना, प्रैक्टिकली ये सही रिजल्ट नहीं है, प्रैक्टिकली नॉट डिफाइंड थोड़ी ना है, प्रैक्टिकली यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी रफ्तार रही होगी। सोचो, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर सकते थे। सोचिए, यही आदमी अगर एक बाइक पे होता, कार पे होता, तो बाइक में एक वो होता है बच्चों, डिवाइस जिसको हम बोलते हैं, कार में बाइक में एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर। अब सोचो आप, स्पीडोमीटर में ऐसा होता है ना, ऐसे कांटा होता है, यहाँ पे वो स्पीड बता रहा होता है, तो सोचो स्पीडोमीटर में अगर वो स्पीड देखता बिल्कुल 3 सेकंड्स पर, तो 3 सेकंड्स पे मान लीजिए उसकी स्पीडोमीटर ने स्पीड दिखाई होती 60 मीटर पर सेकंड, तो आपको पता चल गया ना कि एग्जैक्टली 3 सेकंड्स में उसकी स्पीड, ये मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ये स्पीड होगी ये जरूरी नहीं है ना, ये तो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मान लीजिए ये किसी कार पे या बाइक पे बैठा होता और वहां पे 3 सेकंड्स पे उसने स्पीडोमीटर को देखा होता, सिर्फ देखा होता, उस इंस्टेंट पे देखा होता और स्पीडोमीटर 60 मीटर पर सेकंड या 60 किलोमीटर पर आवर बता रहा होता,
तो इसका आंसर क्या होता, उस इंस्टेंट पे उसकी रफ्तार क्या होती, 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये काम फिर हम गणित से क्यों नहीं कर पा रहे, मैथ से क्यों नहीं कर पा रहे, ये प्रैक्टिकली कर पा रहे हैं, हमें लॉजिकली भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रफ्तार है लेकिन कितनी है ये नहीं बता पा रहे हैं, और मैथ्स हमें आंसर नहीं दे रहा है, मैथ्स हमारी फेल होती जा रही है ना। तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए नई मैथमेटिक्स का डेवलप हुआ जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। यानी जब भी आपको इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए होगा तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, डिफरेंशिएशन की। बिना डिफरेंशिएशन के आपका काम नहीं बनेगा, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, और डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है ये भी आपको समझ में आया होगा, है ना। अब आप ध्यान से देखो कि पहले की सिचुएशन देखो, आप पहली वाली जो इससे पहले बताई गई थी यूनिफॉर्म मोशन, वहां पे आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लॉजिकली बता दिया था, मैथमेटिकली तो वहां भी नहीं बता पाए थे लेकिन लॉजिकली बता दिया था 4 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन यहाँ पे बच्चों आप लॉजिकली भी नहीं बता पाओगे क्योंकि यहाँ पे तो हर इंटरवल पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, आपको क्या पता 3 सेकेंड्स पे क्या वेलोसिटी है, तो यहाँ पे आपका लॉजिकल भी फेल हो गया। यानी कि अब जरूरत पड़ेगी कि हम ऐसी मैथ्स डेवलप करें जो इस सिचुएशन को हैंडल कर पाए, है ना। तो इंस्टेंटेनियस रेट में प्रॉब्लम है, किस रेट में प्रॉब्लम है बच्चों, एवरेज रेट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट किस में प्रॉब्लम आती है, इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए। और इंस्टेंटेनियस रेट को निकालने के लिए ही हमने किसको तैयार किया है, कौन सी मैथमेटिक्स की ब्रांच तैयार की है, डिफरेंशिएशन, है ना। तो डिफरेंशिएशन इज द मैथमेटिकल टूल टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट विच इज नॉट नॉट डन बाई एवरेज रेट, है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट ही हमें एग्जैक्ट आइडिया देता है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, आपने जब 9th क्लास में मोशन पढ़ा था तो आप वहां पे एवरेज निकालते थे, कभी इंस्टेंटेनियस नहीं निकालते थे क्योंकि डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा था आपने। लेकिन यहां पर अब आपको कभी भी जो सवाल आएगा और सिर्फ आपको वेलोसिटी बोला है या सिर्फ एक्सलरेशन बोला है या सिर्फ मोमेंटम बोला है तो हमेशा याद रखेंगे कि इंस्टेंटेनियस ही पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है, इंस्टेंटेनियस, आपसे एवरेज नहीं पूछा गया है। अगर उसको एवरेज पूछना होगा तो वो एवरेज वर्ड मेंशन करेगा प्रॉब्लम में। तो हम यहाँ पे इस बात को नोट करके लिख लेते हैं, अब आप हमेशा याद रखेंगे इस बात को, 11th की फिजिक्स में या 12th की फिजिक्स में कभी भी सिर्फ वेलोसिटी का टर्म आ रहा है, एक्सेलरेशन का टर्म आ रहा है, इसका मतलब आपसे कौन सी चीज पूछी जा रही है, इंस्टेंटेनियस, ना कि एवरेज। अगर उसको एवरेज पूछना होगा तो वो एवरेज वर्ड को मेंशन करेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे वो चीज लिख देता हूं, आप इसको याद रखेंगे कि इन फिजिक्स इफ ओनली वेलोसिटी इज आस्क्ड, मतलब वेलोसिटी के बारे में बोल रहा हूं, ऐसा किसी के बारे में बोला जाए, वेलोसिटी इज आस्क्ड, देन इट मींस दैट वी हैव टू कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तो मैं अभी समझाऊंगा ही आपको, लेकिन कभी भी सिर्फ वेलोसिटी बोला हुआ होगा तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैं यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में भले ही लिख रहा हूँ लेकिन ये सबके लिए वैलिड होगा, एक्सेलरेशन के लिए, मोमेंटम के लिए, फोर्स के लिए, जब आगे आप पढ़ोगे, है ना। तो हमेशा आपको इंस्टेंटेनियस ही निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। एंड फॉर एवरेज रेट कोई भी रेट हो, अगर उसको एवरेज पूछना होगा तो एवरेज रेट, देन एवरेज वर्ड इज मेंशन इन प्रॉब्लम। तो आपको एवरेज वर्ड मेंशन होगा, है ना, इन प्रॉब्लम। इस बात को आप याद रखेंगे। तो कभी भी सिर्फ वेलोसिटी बोला जाए, एक्सेलरेशन बोला जाए, मोमेंटम बोला जाए, इसका मतलब आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है। कोई भी रेट दिया जाए और उसमें एवरेज वर्ड को मेंशन ना किया जाए तो आप याद रखना, तो आपको इंस्टेंटेनियस ही निकालना है। और अगर आपको एवरेज निकालने को वो कहेगा तो आपको एवरेज निकाल। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर सिर्फ वेलोसिटी या सिर्फ रेट पूछा हो तो आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है ना, और अगर आपको एवरेज वर्ड मेंशन किया है तो आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब हम ये देखते हैं कि ऐसे तो हम डिफाइन नहीं कर पाए किसको, dx बाई dt को। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो न्यूटन ने बहुत सोचा कि कैसे करें कैसे करें,
उनके दिमाग में एक ख्याल आया। वो ख्याल क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, हम एवरेज ही निकालते हैं, है ना। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, हम क्या निकालना आता है, एवरेज निकालना आता है ना, तो हम एवरेज ही निकालेंगे अब। लेकिन एवरेज में अगर मैं ये जो डेल्टा टी है, जो आपका टाइम इंटरवल है, इसको मैं छोटा करते जाऊं, छोटा करते जाऊं, छोटा करते जाऊं, और इतना छोटा कर दूं कि जो आपका डेल्टा टी है वो टेंडिंग टू जीरो हो जाए, तो क्या वो डीटी बन जाएगा? तब जो आंसर आएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस का आंसर, है ना। जैसे मैं करके बताता हूँ तो आपको और अच्छे से बात समझ में आएगी। उन्होंने सबसे पहले जो इंटरवल लिया डेल्टा टी का, वो हमें 3 सेकेंड्स में चाहिए ना बच्चों, तो 3 सेकेंड्स में निकालने के लिए हम डेल्टा टी 1 सेकेंड का ले लेते हैं। लेट सपोज डेल्टा टी 1 सेकेंड का ले लेते हैं, मतलब 3 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड तक का इंटरवल ले लिया, 3 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड तक का। तो हमने जब उसकी वैल्यू निकाली तो 7.7 मीटर पर सेकेंड आई, ठीक। तो ये एक आंसर हमें मिल गया। फिर हमें तो 3 सेकेंड पे चाहिए वैल्यू, तो हम इंटरवल और कम करते हैं। अब हम एवरेज ही निकालते हैं, एवरेज ही निकाल रहे हैं, वी एवरेज, और हम अब इंटरवल को घटाते जाएंगे तब जब तक कि हम 0 पे ना पहुंच जाए। तो एक काम करते हैं, हम लोग 3 से लेकर 3.5 सेकंड का इंटरवल लेते हैं। पहले हमने 1 सेकंड का इंटरवल दिया था, अब हम डेल्टा टी कितने का ले लेते हैं बच्चों, 0.5 सेकंड्स का। इंटरवल कम करते जाना है ना, लगभग 0 के पास, तो हम 3 सेकंड्स पे पहुंच जाएंगे। हम इसको कम करते जाएंगे तो किसके पास पहुंच जाएंगे, 3 सेकंड्स पे। तो चलिए करके देखते हैं। तो अब हमने जो डेल्टा टी दिया है वो 0.5 सेकंड का ले लिया। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा 3.5 सेकंड पे क्या पोजिशन होगी बच्चों, फाइनल पोजिशन। तो आपको टी की जगह क्या रखना पड़ेगा, 3.5 सेकंड का स्क्वायर। तो आप 3.5 सेकंड का स्क्वायर करेंगे ना तो आपको आंसर मिलेगा 12.25। करके देखना, 35 का स्क्वायर तो मेरे ख्याल से यही होता है 1225, और माइनस 3 का स्क्वायर, 3 पर क्या पोजीशन थी, वो तो 9 थी, तो वो तो 9 रहेगी, अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना हो गया बच्चों, 0.5 सेकंड, 3.5 माइनस 3, तो 0.5 सेकंड आप रख दो। अब इस डाटा को आप जब सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे सॉल्व कर, तो ये आंसर आता है 6.5 मीटर, 6.5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो, यानी कि हमने इंटरवल कम किया तो हमारा जो आंसर है वो 6.5 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि भाई चलो हमें इंस्टेंटेनियस नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको इन दो वैल्यूज में बोला जाए कि आप किस वैल्यू को प्रेफर करोगे, कौन सा वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है, एक्यूरेट तो दोनों ही नहीं है, खैर कौन सी वैल्यू ज्यादा क्लोज है एग्जैक्ट वैल्यू के, इंस्टेंटेनियस वैल्यू के। तो आप बोलोगे जिसका इंटरवल कम है बच्चों, जिसका इंटरवल ज्यादा है वो ज्यादा दूर होगा किससे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू से, 3 सेकंड पे। सबसे कम वैल्यू, सबसे पास वाली वैल्यू जो होगी वो कम इंटरवल पे होगा। तो हम एक काम करते हैं, इस इंटरवल को और कम करते हैं और एग्जैक्टनेस की तरफ बढ़ते हैं और इंस्टेंटेनियस की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमने इंटरवल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जगह तो नहीं है, लेकिन मुझे इसी पेज पे करना पड़ेगा, नहीं तो ये सब सिचुएशन बनी है वो हट जाएगी, है ना, फिर मजा नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे फिफ्थ सिचुएशन लेते हैं। अब मैं एवरेज निकाल रहा हूँ, अब मैं फिर से एवरेज निकाल रहा हूँ, लेकिन मैं इस इंटरवल को और कम करूंगा ताकि मैं और क्लोज जा पाऊं किसके, 3 सेकंड के। अब मैं कैसे कम करूंगा, तो बच्चों मैं एक काम करता हूं, मैं 3 सेकंड से लेकर 3 पॉइंट कितना ले लेता हूं, लेट सपोज 0.1, 3 सेकंड से लेकर 3.01। देखो कितना छोटा इंटरवल ले लिया, मतलब यहां पे डेल्टा टी किसके बराबर हो गया, दिस माइनस दिस करोगे तो 0.01 सेकंड का। अब ये इंटरवल और क्लोज हो गया किसके, 3 सेकंड की, 3 सेकंड की, बहुत क्लोज आ गया ना। अब तो अब यानी कि आपको अब जो वैल्यू मिलेगी वो और ज्यादा एक्यूरेट होगी, वो और ज्यादा क्लोज होगी किसके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 3 सेकंड्स के। तो जरा करके देखते हैं, अब इसमें 3.01 सेकंड्स पे क्या पोजीशन रही होगी, तो आपको टाइम की जगह 3.01 डालना पड़ेगा और उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो जब आप उसका स्क्वायर करोगे ना बच्चों, तो आंसर आता है, करके देखना आप, 3.01 का क्या बच्चों, स्क्वायर, तो आपको आंसर मिलेगा 9.0601। करके देखना, मैंने कैलकुलेट करके रखा है इसलिए मुझे पता है ना। जब आप कैलकुलेट करोगे, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे याद हो गई है वैल्यू, आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएंगी। तो 9.0601 और माइनस नाइन, तो -9 मतलब 3 का स्क्वायर हो गया, और नीचे चेंज इन टाइम डेल्टा टी कितना आएगा बच्चों, 0.01
का सेकंड है ना। अब आप इसको डिवाइड करो, माइनस करो, डिवाइड करो, माइनस करोगे तो 0.0601 आ जाएगा, डिवाइड बाय 0.01 करके देखना तो आपको आंसर मिलेगा 6.01 मीटर पर सेकंड। अब मैं आपसे बोलूं कि इन तीन वैल्यूज में से बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 3 इक्वल्स टू 3 सेकंड के लिए कौन सी ज्यादा करेक्ट वैल्यू है। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस निकालना नहीं आता, एवरेज ही निकालना आता है, तो आप किस एवरेज वैल्यू को प्रेफर करोगे जो कितने इंटरवल में निकाला गया है बच्चों, 0.01 सेकंड के इंटरवल में निकाला गया ना, ये सबसे क्लोज है इस इंस्टेंट के, इसलिए आप ये वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट मानी जाएगी। अब आप एक काम करो और कम करते जाओ, एक और कर लेते हैं जल्दी से, है ना। तो जैसे सिक्स्थ वाला केस यहां पे बना देता हूं मैं आपको, आप इस इंटरवल को और कम करो, अभी भी हम एवरेज निकालेंगे बट अब एवरेज और कम कर देते हैं, और क्लोज जाते हैं 3 सेकंड के। तो अब हम इंटरवल ले लेते हैं 3 से लेकर 3.3.001। तो देखो आप और क्लोज पहुंच गए ना बच्चों इतने सेकंड के लिए, तो इसमें डेल्टा टी कितना आएगा सोचो आप, डेल्टा टी हो गया आपका 0.001। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3.001 का होल स्क्वायर, तो आपको पोजीशन मिलेगी, तो जब आप पोजीशन निकालोगे तो इसकी वैल्यू आती है 9.006001। स्क्वायर करना आपको मिल जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, डिवाइड बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी की वैल्यू 0.001 है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो बच्चों क्या आएगा, 0.001 मीटर पर सेकंड। अब आप सोचो और क्लोज जाओ, एक और जीरो लगा दो, और क्लोज जाना है तो एक और जीरो लगा दो, ऐसे घटाते 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 आप इस डेल्टा टी को किसके अप्रोक्सीमेट पहुंचा दोगे, टेंडिंग टू जीरो, यानी कि आपका ये जो डेल्टा टी है ये क्या बन जाएगा, डी टी, और उस समय जो आपका चेंज इन पोजिशन है वो क्या बन जाएगा बच्चों, डीएक्स। और देखो ये वैल्यू क्या किसके पास जा रही है, पहले देखो ये वैल्यू थी 0.01, 6.01, अब आ गई ये 6.001, और क्लोज जाओगे तो ये 6.00001 आ जाएगी, और जब ये टेंडिंग टू जीरो पहुंच जाएगा डेल्टा टी, इतना छोटा लोगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कहां पहुंच जाएगी, 6 पर, यानी 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि आपको dx by dt का वैल्यू मिल गया। dx by dt जो है वो आपको कितना मिला बच्चों, dx by dt at t equals to 3 सेकंड, जब आप इसको बहुत छोटा करते जाओगे छोटा करते जाओगे तो ये वैल्यू कहाँ अप्रोक्सीमेट कर रही है, जब dt और dx टेंडिंग टू जीरो है तो इनका जो रेशियो है वो कहाँ पहुंच रहा है, 6 मीटर पर सेकंड के। तो आपको आंसर मिल गया 6 मीटर पर सेकंड। आप करके देखना और फर्दर डिक्रीज करना तो ये 6 के पास पहुंच जाएगा, है ना। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि इंस्टेंटेनियस निकालने का तरीका क्या है, यानी कि इंस्टेंटेनियस को निकालने का न्यूटन ने यही तरीका बताया कि भाई हम किसको जानते हैं कैलकुलेट करना, हम जानते हैं कैलकुलेट करना किसको, किसको, एवरेज को, तो हम एवरेज से ही कैलकुलेट करते हैं। तो हम अगर इंटरवल को घटाते जाएं और डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कर दें तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 3 सेकंड्स, और आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 6 मीटर पर सेकंड, है ना। वैसे ही आप 2 सेकंड्स के लिए करोगे, लेकिन ये जो प्रोसेस थी बच्चों ये बड़ी लेंदी थी। अब ऐसा कब तक आप कैलकुलेशन करते रहोगे, ऐसा स्क्वायर को कैलकुलेट करना, ये तो मुझे अभी याद था तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ऐसे कोई नई वैल्यू दूं मैं 2 सेकंड पे पूछूं आपको स्पीड, तो फिर ऐसा कैलकुलेशन कब तक करते जाओगे आप। तो ये कैलकुलेटिव था, लेंदी प्रोसेस था। तो फिर न्यूटन ने एक और तरीका ढूंढा इसको आसानी से सॉल्व करने का, उन्होंने सोचा कि हम कर क्या रहे हैं कि एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हम निकाल एवरेज रहे थे इंस्टेंटेनियस के लिए, हमने किया क्या कि हमने निकाला तो एवरेज ही, लेकिन वहां पे जो इंटरवल ऑफ टाइम है उसको हमने अप्रोच करा दिया जीरो पर, टेंडिंग टू जीरो। तो हम क्या करें यदि, उन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया कि आप एवरेज वेलोसिटी ही निकालो, एवरेज रेट ही निकालो, बट यहां पर लिमिट पुट कर दो। क्या पुट कर दे बच्चों, लिमिट, एवरेज निकालें और उसमें लिमिट पुट कर दें, मतलब वहां पर जो इंटरवल है उसको टेंडिंग टू जीरो पुट करा दें, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आपको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये एक सोच थी, एक विचार था कि हम किसी चीज का इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट कर पाएंगे। देखो ये मैंने आपको बताया और ये मैंने समझाया भी कि ये कैसे काम किया, लेकिन ऐसा बार बार लेंदी कैलकुलेशन करना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या सोचा, न्यूटन ने जो सोचा, जो इसने किया कि भाई एवरेज वेलोसिटी ही निकालो, एवरेज रेट ही निकालो, लेकिन उसमें अप्रोच कराओ डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो,
और ऐसे अप्रोच कराओ ताकि जीरो अपॉन जीरो ना आए, नॉट डिफाइंड ना आए। तो इस तरीके से जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। अब वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व किया गया वो मैं आपको समझाता हूँ, तो जल्दी से नोट कर लो फिर आगे। तो देखिए बच्चों, अब मैथमेटिकल क्या अप्रोच की गई, ताकि हम इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन ना करना पड़े, हम इंस्टेंटेनियस रेट को जल्दी निकाल पाए और किसी भी इंस्टेंट के लिए निकाल पाए। नहीं तो अगर हम ऐसे कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो आपको 2 सेकंड पे पूछता तो उसके लिए अलग कैलकुलेशन करना पड़ता, 4 सेकंड पे पूछता तो उसके लिए अलग कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना। तो वो कैलकुलेशन से बच जाए और आसानी से हमारा क्या आ जाए बच्चों, रिजल्ट आ जाए। तो उसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उन्होंने क्या अप्रोच लगाई है ना, न्यूटन सर ने क्या अप्रोच लगाई उसके बारे में हम सीखते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप एवरेज ही निकालो, हम एवरेज ही निकाल रहे थे, बस उसमें क्या करो कि आप लिमिट डेल्टा टी इंटरवल को जीरो तक पहुंचाओ। इंटरवल को कहां पहुंचाओ बच्चों, जीरो तक। तो इससे क्या होगा, इंटरवल को अगर आप जीरो तक पहुंचाओगे तो ये डेल्टा टी किस में कन्वर्ट कर जाएगा, डीटी में, और आपको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट, है ना। मतलब आपको लिमिट का मतलब ये होता है कि आप उसकी वैल्यू को घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ और डिफरेंस को लगभग किसके बराबर बना दो, जीरो के बराबर। उसका मतलब लिमिट होता है कि धीरे धीरे आप घटाते जाओ जो हम अभी कर रहे थे, बस उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है, जो हम अभी कर रहे थे ना वैल्यूज निकाल रहे थे उसको मैथमेटिकली मैंने ऐसे लिख दिया है। तो आपको एवरेज की, जब एवरेज की वैल्यू में आप डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो करोगे, धीरे धीरे उस डिफरेंस को जीरो की तरफ ले जाओगे, तो आपको ऑब्वियस सी बात है क्या मिल जाएगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी कि हम देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट अगर चाहिए तो आप एवरेज रेट निकालें और एवरेज रेट में लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कराएं, मतलब डेल्टा टी को घटाते जाएं घटाते जाएं घटाते जाएं और तब तक घटाते जाएं जब तक कि वो टेंडिंग टू जीरो नहीं हो जाता। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से देखो, कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो और वी एवरेज को क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और सोचो जब आप डेल्टा टी को अप्रोच करा दोगे जीरो को, तो ये जो डेल्टा टी है लगभग वो जीरो के बराबर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, डीटी। और उस समय जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा या पोजीशन कवर किया होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, डीएक्स। तो व्हाट इज डीएक्स बाय डीटी, डीएक्स बाय डीटी इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। डीएक्स बाय डीटी तो क्या है अपना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है ना, दिस इज इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकाला ना आपने dx by dt, इसी को बोलते हो आप डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। ये जो d फंक्शन बना ना, d फंक्शन का रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इसी को आप बोलते हो बच्चों डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया बच्चों, डिफरेंशिएशन क्या हो गया, तो डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ उसको कि डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, डिफरेंशिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आप किसी भी चीज का जो रेट है उस रेट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल पाओ, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस बात को, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, फाइंडिंग इंस्टेंटेनियस, फाइंडिंग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। किसी फिजिकल क्वांटिटी का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है तो आप किसका उपयोग करोगे बच्चों, डिफरेंशिएशन। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंशिएशन का प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आपको कहाँ कहाँ लगाना है। अब डिफरेंशिएशन कैसे लगाया जाता है वो तो मैं आपको समझा ही दूंगा, उसके फॉर्मूले भी बता दूंगा, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे डिफरेंशिएशन यूज कहाँ करना चाहिए। मुझे डिफरेंशिएशन उन जगहों पर यूज करना चाहिए जिन जगहों पर आपको इंस्टेंटेनियस रेट पूछा गया है। तो अब आप याद रखेंगे कि फिजिक्स में कहीं भी इंस्टेंटेनियस रेट पूछा जाएगा तो मुझे डिफरेंशिएशन ही लगाना है। और आप ये बात समझ गए हो, मैंने पहले बताया कि आपको कोई भी चीज पूछी जाए तो वो आपको इंस्टेंटेनियस ही पूछी जाती है। अगर प्रॉब्लम में, सवाल में दिया है कि आपको ये बताओ कोई भी रेट बोला जाए, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो आपको यही बताना होता है इंस्टेंटेनियस। इसलिए डिफरेंशिएशन बड़ा काम की चीज है और ये फिजिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है,
यूज में आती है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसका यूज क्या है, क्योंकि हम तो इंस्टेंटेनियस ही जानना चाहते हैं, एग्जैक्ट आइडिया ही चाहिए हमें, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, है ना। इसलिए डिफरेंशिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको यही करना है, इसलिए वहां भी आपको डिफरेंशिएशन ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो आई होप आपको बात क्लियर होगी। डिफरेंशिएशन क्या होता है ये आपको महसूस हो चुका होगा, और क्यों डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ी ये भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम वापस सिचुएशन पे आते हैं। ये जो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा, ये हम उस सिचुएशन के लिए अप्लाई करते हैं जिस सिचुएशन में अभी हम फंस गए थे, यानी कि x इज इक्वल्स टू t स्क्वायर, है ना। हम इसी प्रकार के नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए लॉजिकली भी नहीं बता पा रहे थे, हमें t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे बच्चों वेलोसिटी चाहिए ना, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए थी 3 सेकंड्स पर। अब उसमें हमने बहुत सारी कैलकुलेशन की थी, अब हम ये चाह रहे हैं कि वो कैलकुलेशन ना करना पड़े, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम उसको एक्सप्रेशन से सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, आपका मान लीजिए कि इनिशियल टाइम, अब हम जनरलाइज कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं निकाल रहे हैं, तो आप ऐसा मान लो कि हमारा इनिशियल जो टाइम था वो टी था, और जो फाइनल टाइम था, क्योंकि हमें इंटरवल डेल्टा टी चाहिए ना, तो फाइनल टाइम आप वो देख लो टी प्लस डेल्टा टी बोल देते हैं, टी प्लस डेल्टा टी। तो जब आप यहाँ पे चेंज इन टाइम लिखेंगे ना, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो वापस से आपका डेल्टा टी मिल जाएगा, डेल्टा टी इज लार्ज चेंज। तो ये एवरेज हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां पे लिमिट कितनी पुट कर देंगे बच्चों, टी इक्वल टू जीरो, है ना। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, हमने टी इनिशियल मान लिया है टी, और टी फाइनल मान लिया टी प्लस डेल्टा टी, हम जनरलाइज कर रहे हैं किसी भी टाइम के लिए हम निकाल सकें, इसलिए मैं ऐसा टाइम ले रहा हूं। उसके बाद देखो टी इनिशियल पे जो आपका इनिशियल पोजिशन है, तो टी की जगह टी रखो, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा बच्चों, टी की जगह फाइनल टाइम रखना पड़ेगा, मतलब टी की जगह क्या रखना पड़ेगा, टी प्लस डेल्टा टी, तो टी प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो इसको टी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी, है ना, ऐसा लिख सकते हो। तो हमारे पास फाइनल पोजीशन भी आ गया और हमारे पास इनिशियल पोजीशन भी आ गया। अब हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, है ना बच्चों, हमें क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है, वो हमने अभी देखा, वो तरीका है कि आप लिमिट पुट करो, धीरे धीरे डेल्टा टी की वैल्यू घटाते जाओ और जीरो के बराबर करो, तो जो आप एवरेज निकालोगे वही किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, है ना। तो हम यहाँ पे उसको लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, वी एवरेज क्या है बच्चों, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स मतलब एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, है ना। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे वैल्यू अगर हम पुट करें लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन देखो बच्चों ये है, फाइनल पोजीशन है टी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी, और इनिशियल पोजीशन क्या है बच्चों, तो इनिशियल पोजीशन देखो, इनिशियल पोजीशन आपका कितना है बच्चों, टी स्क्वायर, तो माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी फाइनल, तो फाइनल टाइम आपका टी प्लस डेल्टा टी है, और इनिशियल टाइम आपका माइनस टी है ना। तो ये हमने लिख दिया, अब देखो इसमें जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, तो टी स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ नीचे टी और टी कैंसिल, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना आया बच्चों आपका, देखो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, ऊपर बचेगा कितना बच्चों, डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी अपॉन, नीचे बचेगा सिर्फ डेल्टा टी। अब देखो बच्चों डेल्टा टी को हमें जीरो कराना है, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू को जीरो पुट कराना है, तो डेल्टा टी की वैल्यू अगर हम जीरो पुट करा देंगे तो देखो ऊपर भी जीरो आ जाएगा और नीचे भी जीरो आ जाएगा, अगर आप लिमिट को पुट करा दोगे तो जीरो अपॉन जीरो आ जाएगा विच इज नॉट डिफाइंड। तो हम वही पुरानी सिचुएशन में पहुंच गए भाई कि कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब हमें इसको इतना सिंप्लीफाई करना है कि जीरो अपॉन जीरो आंसर नहीं आए, ये आंसर नहीं आना चाहिए, तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम डेल्टा टी को जीरो पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो तो पुट करेंगे, लेकिन तब पुट करेंगे जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, और हमारा आंसर क्या नहीं आना चाहिए, नॉट डिफाइंड, जो कि पहले कैलकुलेशन में हो रहा था, आपने जब उसको कैलकुलेटिव से सॉल्व किया घटाते गए और एवरेज निकाला, तो आपका आंसर नॉट डिफाइंड नहीं आया था, फिर 6 मीटर पर सेकंड आया था, वैसे यहाँ पर हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस तरीके से ताकि जीरो अपॉन जीरो ना आए,
तो देखो बच्चों यहां से हम इसको फर्दर कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, डेल्टा टी को कॉमन ले लो, तो डेल्टा टी कॉमन कर लोगे तो अंदर बचेगा डेल्टा टी प्लस टू टी और अपॉन डेल्टा टी तो था ही। अब यहां से देखो कॉमन चीज डेल्टा टी कैंसिल हो गया। अब देखो आपका आंसर क्या बचा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा टी प्लस टू टी। अब आप डेल्टा टी को जीरो पुट कराओ तो इंस्टेंटेनियस मिलेगा, और देखो जीरो अपॉन जीरो भी नहीं आएगा। अब आप डेल्टा टी की जगह वैल्यू पुट करो जीरो, तो आपका आंसर जीरो अपॉन जीरो नहीं आ रहा है, कुछ आंसर आ रहा है, मतलब हमें एक फाइनाइट आंसर मिल गया विच इज अवर आंसर। तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो आंसर मिल गया टू टी, डेल्टा टी को जीरो के इक्वेट कर देंगे तो आपको आंसर मिल गया। तो आपको देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का टू टी आंसर मिला, टू टी मतलब आप किसी भी टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हो, अब आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। तो देखिए हमें कब पूछा गया था, एट टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, तो यहाँ पे टी की वैल्यू 3 डालो जरा आप, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड, तो आपको कितना आंसर मिलेगा बच्चों, आप अगर ध्यान से देखें तो आपको आंसर मिल जाएगा 2 × 3 6 मीटर पर सेकेंड। और याद करो अभी हमने पीछे कैलकुलेशन में भी यही निकाला था, लेकिन इस तरीके से निकालने का फायदा क्या हुआ कि अब हमें किसी और टाइम के लिए आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। आप देखो 2 सेकंड्स के लिए भी बता सकते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड कितनी आएगी बच्चों आंसर, 4 मीटर पर सेकंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 4 सेकंड पूछ लू मैं तो कितना आंसर आएगा आपका, 8 मीटर पर सेकंड। तो देखो कितनी आसानी से आ रहा है, मतलब ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और इसी को हम बोलेंगे डीएक्स बाई डीटी। जब आपने जीरो को पुट करा दिया तो यही चीज क्या बन गई, dx by dt, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंस्टेंटेनियस रेट कितना आया बच्चों 2t। तो आई होप आपको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट समझ में आया होगा, और हमने कैसे प्रोसेस की, एवरेज ही निकाला लेकिन एवरेज के इंटरवल को कम करते गए और कहां पहुंच गए, लगभग जीरो के बराबर। तो हमें क्या मिल गया, इंस्टेंटेनियस रेट, है ना, इंस्टेंटेनियस रेट। आई होप आपको डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आया होगा, कैसे कैलकुलेशन किया ये समझ में आया होगा, तो इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब आपका एक्स जो था बच्चों वो जब फंक्शन ऑफ टी था, है ना, एक्स किस पे डिपेंड कर रहा था, टाइम पे डिपेंड कर रहा था ना, तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया हुआ है कि इसको आप ऐसा फंक्शन ऑफ टी भी लिख सकते हैं ना, विच इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो इंस्टेंटेनियस रेट देता है, और जो पोजीशन का इंस्टेंटेनियस रेट है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो डीएक्स बाई डीटी, है ना, इंस्टेंटेनियस रेट के लिए। और आप इसको क्या बोल रहे हो बच्चों, इसका आंसर क्या आया था फॉर्मूले से, 2t आया था। अब किसी भी टाइम के लिए आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हो। वैसे मैं आपको एक चीज, एक काम करने के लिए देता हूँ, आप घर पे होमवर्क के तौर पे इसको कीजिएगा। एक और प्रकार का मोशन है, x इज इक्वल्स टू टी क्यूब। अब आप इसको सॉल्व करके देखना बच्चों, x इक्वल्स टू टी क्यूब को, तो आपकी जो वेलोसिटी है या इंस्टेंटेनियस रेट है dx by dt, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, वो आपका आएगा 3t स्क्वायर। आप सॉल्व करना जैसे मैंने अभी लिमिट लगा के सॉल्व किया ना, जब आप लिमिट लगा के सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा आपका, है ना। अब ये जो dt dx अपॉन dt है ना, इसको ऐसे रीड किया जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टी, याद रखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर में आपका देखिए तो डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिनोमिनेटर में आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमेशा याद रखना न्यूमरेटर में डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और आपका डिनोमिनेटर में कौन सा वेरिएबल होता है बच्चों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना। तो इसको ऐसे रीड किया जा सकता है, ऐसे रीड किया जाता है, dx अपॉन dt को कैसे रीड करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू। तो बच्चों अगर आप आगे देखेंगे यहाँ पर तो आपको एक बात और समझ में आई होगी, आपको एक पैटर्न दिखाई दिया होगा। देखो जब t की पावर 2 थी तो ये 2 बाहर आ गया जब हमने उसका इंस्टेंटेनियस रेट निकाला, और t की पावर में 1 कम हो गया, मतलब 2 - 1 हो गया, 2 - 1 हो गया, तो यहाँ पे t की पावर 1 बची ना। वैसे ही आप देखो जब t क्यूब था, जब उसको सॉल्व करोगे तो यहाँ भी एक पैटर्न वही है कि इसकी जो पहले पावर थी वो बाहर आ गई और उसकी पावर 1 कम हो गई, मतलब 3 - 1 हो गई।
तो हम यहाँ पे किसी भी पावर को जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही आंसर मिलते हैं हमें। तो हमने एक वो बना लिया, फॉर्मूला बना लिया इसका। क्या फॉर्मूला बनाया बच्चों? कि कभी भी आपको टी की पावर एन मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू टी की पावर एन, तो उसका जो डिफरेंशिएशन है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है डीएक्स बाई डीटी, वो आपको इस तरीके से मिलेगी। जो इसकी पावर है वो बाहर आ जाएगी, एन बाहर आ जाएगा और टी की पावर एन माइनस वन मिल जाएगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि टी की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन इंटू टी की पावर एन माइनस वन होता है, और ये 90% फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आपको यूज में आएगा। इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। टी की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन इंटू टी की पावर एन माइनस वन, है ना। अब बच्चों एक बात मैं और बता दूं आपको कि ये फॉर्मूला, ये जो वेरिएबल्स हैं ये एक्स और टी के रेस्पेक्ट में, ऐसे किसी दूसरे वेरिएबल्स के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा। अगर जैसे मैं आपसे बोलता कि पी इज इक्वल टू क्यू की पावर एन, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्यू इज अ फंक्शन ऑफ पी इज अ फंक्शन ऑफ क्यू, यानी क्यू पे डिपेंडेंसी है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता। इसका जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है डीपी अपॉन डी क्यू, डीपी अपॉन डी क्यू, ध्यान से रखना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे आएगा और डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर आएगा, तो भी इसका यही फॉर्मूला होता है एन इंटू क्यू की पावर एन माइनस वन। मतलब वेरिएबल के चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला आपका सेम है, बस आप अगर क्यू की पावर एन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो विथ रेस्पेक्ट टू क्यू ही होना चाहिए। यहां पे अब टाइम नहीं आएगा, अगर क्यू के रेस्पेक्ट में ही है और क्यू के फंक्शन को ही आप क्या कर रहे हो बच्चों, डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो यही आंसर लगने वाला। ऐसे में आपसे बोल दूं कि भाई आपका ए इज इक्वल्स टू बी की पावर एन, मतलब यहां पे आप देखो तो ए इज अ फंक्शन ऑफ बी, तो आप बी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे डीए बाई डीबी, डीए बाई डीबी, तो भी आपका यही आंसर आएगा एन इंटू बी की पावर एन माइनस वन। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल बदल जाएंगे तो चिंता नहीं करना, वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं बट आपके जो रूल है, जो फॉर्मूला है वो सेम लगता जाएगा, है ना। बस याद रखना कि जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसके रेस्पेक्ट में ही करना है, क्यू का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, बी का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू बी, तभी ये फॉर्मूले और ये आंसर आपके बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसके लिए ये फॉर्मूला यूज में ले लूं तो मैं किसी भी फंक्शन का डायरेक्ट बता सकता हूं, अब मुझे लिमिट भी लगाने की जरूरत नहीं है जैसे आपसे बोला जाता है इस तरह। तो बच्चों हमने देखो ये फॉर्मूला सीख लिया एक्स एक्स की पावर एक्स इक्वल टू टी की पावर एन का, है ना, यानी जो पावर है वो बाहर आ जाती है और एक पावर में माइनस हो जाता है जब हम उसका इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे वेरिएबल कोई भी हो ये फॉर्मूला सेम लगता है अगर आप उसके रेस्पेक्ट में निकालोगे ना, तो वेरिएबल से घबराने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। वहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि जिसके जिसके लिए निकाल रहे हो उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब ये फॉर्मूला अगर हमने सीख लिया तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि अब हमें वो लिमिट वाली प्रोसेस भी नहीं लगानी पड़ेगी, लंबी लंबी प्रोसेस, हम आंसर तुरंत बता देंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता कि टी इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू टी की पावर फोर है, अब आपको इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना है एट टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ। तो देखो कितना आसान है फॉर्मूला, अब आपको लिमिट भी पुट नहीं करना है, लिमिट पुट करके भी नहीं करना है, आपको तो फॉर्मूला पता है। तो फॉर्मूला क्या बताओगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू डीएक्स बाई डीटी, और डीएक्स बाई डीटी में जो एन होती है, पावर होती है, वो बाहर आ जाती है, तो फोर बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे टी की पावर फोर माइनस वन, पावर में एक माइनस हो जाएगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये वी इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू टी की पावर क्यूब। अब टी की वैल्यू 3 डाल दो, तो आपको पता है कि टी की वैल्यू अगर हम 3 डालेंगे तो 3 का क्यूब 27 है, और 4 इंटू 27 आप करके देख लो, 4 इंटू 7 28 हो जाता है, 4 इंटू 2 108 मीटर पर सेकेंड। देखो कितनी आसानी से आ गया, आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, ना लिमिट वाला मेथड लगाने की जरूरत है, ना वैसी कैलकुलेशन करना है जो हमने पहली बार में की थी। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? फॉर्मूला, आपको सिर्फ केवल फॉर्मूला याद रखना है और आपसे सवाल बन जाएंगे बहुत आसानी से। तो देखिए बच्चों हमें अगर फॉर्मूला पता है तो हम कितनी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, ये आपको मेरा काम था समझाना। क्योंकि क्या होता है ना कि जब फिजिक्स में आपको सवाल पूछे जाएंगे तो सवाल आपका कुछ पूछा जाएगा तो उसमें आपको डिफरेंशिएशन का सवाल थोड़ी ना आएगा, आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना है उसमें, तो आंसर निकालना पड़ेगा, और आंसर निकालने के लिए डिफरेंशिएशन एक स्टेप होगी,
तो अगर आप डिफरेंशिएशन में ही बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे सॉल्व करने में, तो क्वेश्चन कब करोगे? क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा आपसे। इसलिए डिफरेंशिएशन को इस तरीके से सीखना है ताकि हम डिफरेंशिएशन बहुत जल्दी कैलकुलेट कर पाए, ताकि हमारा सवाल बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाए। बस ये हमें सीखना जरूरी है ना? तो इसके लिए हमें क्या याद होने चाहिए? फॉर्मूलेज। तो ऐसे हर फॉर्मूले को, मतलब बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं डिफरेंशिएशन के, जब आप मैथ्स में पढ़ेंगे तो उनका पूरा पूरा डेरिवेशन भी सीखेंगे। जैसे मैंने अभी आपको एक फॉर्मूले का डेरिवेशन सिखाया, लिमिट एंड डिफरेंशिएबिलिटी, है ना? वो आप अभी सीखोगे मैथ्स में, शायद 11th क्लास में, 12th क्लास में होगा, ठीक। लेकिन हमें तो किससे काम है? जिससे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन के क्या आने चाहिए? फॉर्मूले। और बहुत ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं आने चाहिए, कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले हैं, वो अगर हमें याद है तो हम उन फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई करके बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसलिए हमारे लिए बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है? फॉर्मूलेज। तो मैं वो फॉर्मूले आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, और आप भी उन फॉर्मूलेज को लिख लो और अच्छे से उन फॉर्मूलेज को याद रखना, है ना, ताकि जब हमारे न्यूमेरिकल्स में आए तो हमारा काम बन जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में जो मेन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फॉर्मूला यही है, टी की पावर एन वाला या फिर क्यू की पावर एन वाला, यही मैक्सिमम जगह पे यूज होने वाला है, 90% जगह पे, है ना। बाकी फॉर्मूलेस 10% के लिए, लेकिन क्वेश्चन वहीं से आते हैं जो 10% छूटने वाला इलाका है। इसलिए आपको वो फॉर्मूलेस भी याद होने चाहिए। तो जल्दी जल्दी से हम फॉर्मूले देख लेते हैं, है ना। तो अब मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ, फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूलेज हैं उनको हम रट लेंगे। तो हमने उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ चुके हैं, फिजिक्स में कैसे अप्लाई होने वाला है, इंस्टेंटेनियस रेट के लिए अप्लाई होने वाला है, ये भी समझ चुके हैं। अब हम बाकी के लिए डेरिवेशन नहीं करेंगे फॉर्मूले के लिए, आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखो ताकि हम जल्दी जल्दी सवाल कर पाए जो आगे आने वाले सवाल होंगे, है ना। तो बच्चों इसमें सबसे पहला फॉर्मूला, अब मैं यहाँ पे, क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि वेरिएबल तो चेंज होते रहते हैं, है ना। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि वेरिएबल चेंज होते रहते हैं, कभी क्यू होगा, कभी पी होगा, कभी एक्स होगा, कभी टी होगा, है ना। तो वेरिएबल से टेंशन नहीं लेना, जिस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन आप निकाल रहे होगे उसके रेस्पेक्ट में निकालना है, बस इतना याद रखना, तो वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो मैं यहाँ पे जनरलाइज करने के लिए वाई और एक्स के टर्म्स में लिख रहा हूँ, क्योंकि हम वाई और एक्स में जनरलाइज करते हैं ना। तो हम बोल रहे हैं कि वाई जो है वो आपका फंक्शन ऑफ एक्स होगा, और वाई और एक्स के टर्म्स में हम फॉर्मूला लिखेंगे, मतलब वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो जो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट होगा वो क्या होगा बच्चों? डी वाई बाई डी टी, जिसके लिए हम फॉर्मूले सीखेंगे, सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, है ना। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मैंने अभी आपको बताया, लिमिट डेल्टा एक्स, अब डेल्टा टी नहीं, अब नीचे कौन आया, इंडिपेंडेंट कौन हुआ? एक्स। इसलिए मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, और एवरेज रेट निकालना है तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, विच गिव्स यू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेट, है ना। ये आपको इंस्टेंटेनियस रेट दे देगा, इंस्टेंटेनियस रेट, है ना। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो हम एक्स और वाई के टर्म्स में फॉर्मूला लिख रहे हैं, बाकी आपको जब फिजिक्स में यूज होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, है ना। तो इन बातों का आप खास तौर पर ध्यान रखना। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने अभी आपको बताया कि y इज इक्वल्स टू x की पावर n, है ना, y इज इक्वल्स टू x की पावर n। तो इसमें आप dy by dx कैसे लिखोगे बच्चों? dy by dx हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा n into x की पावर n माइनस 1, है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। अब बच्चों कभी कभी ऐसा होता ना कि आपको x का डिफरेंशिएशन करना है, आपसे बोला गया, जैसे यहाँ पे आप, मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाते चला हूँ कि आपको डी बाई बाई डी एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, केवल एक्स का, मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो भाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? केवल एक्स का। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है बच्चों? वन। तो ये वन बाहर आ जाएगा, और एक्स की पावर वन माइनस वन, एन माइनस वन होता है ना, तो वन माइनस वन। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा बच्चों जब इसको करोगे? वन माइनस वन, तो ये एक्स की पावर जीरो हो जाएगा, और एक्स की पावर जीरो मतलब वन, तो आपका आंसर आ गया वन। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप x अपॉन x करोगे, dx अपॉन dx, x का ही डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमेशा आंसर कितना होता है? वन। ये बात आपको याद रखने वाली है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक। वैसे ही आप ध्यान से देखो, तो यहां पे क्या करेंगे हम कि यहां पर एक और फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको फॉर्मूले के रूप में ही लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बोलूं कि आपका वाई जो है वो एक्स की पावर हाफ है, मतलब रूट एक्स है,
तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि ये भाई कई बार काम आएगा आपको, बहुत ज्यादा काम आएगा, ये कई बार फिजिक्स में ये यूज होता है, इसलिए मैं इसको अलग से ही बता रहा हूँ। तो इसकी इसका क्या होगा बच्चों, ये जो इसकी पावर है हाफ एन, ये बाहर आ जाएगी, तो 1/2 इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, मतलब इसकी पावर हाफ माइनस वन। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 एक्स की पावर -1/2 आ जाएगा, और -1/2 का मतलब कहाँ चला जाएगा बच्चों, नीचे। तो ये हो जाएगा 1/2 √x, ये माइनस हाफ है ना, तो ये नीचे आ जाएगा, 2 √x बचेगा। तो इसको आप फॉर्मूले के रूप में, सेकंड फॉर्मूले के रूप में ही याद कर लो तो आपको सही रहेगा, है ना। तो आप जब लिस्ट देखोगे फॉर्मूले की तो आपको याद रहेगा। तो y = x की पावर अगर हाफ है तो dy/dt, dy/dx उसका इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो 1/2 √x होगा, है ना। तो इस बात को आप ध्यान से याद रखेंगे, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे एक चीज और आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई कांस्टेंट है, जैसे y = 25 है। अब y की वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई x नहीं आया, लेकिन आपसे बोला गया कि dy/dx निकालो, dy/dx, तो यहाँ पे आपका वेरिएबल तो है ही नहीं, तो आप कैसे करोगे, ये फॉर्मूला कैसे लगाओगे। तो आप क्या करो कि यहाँ पे x की पावर 0 लिख लो, 25 इंटू एक्स की पावर 0। 25 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 25 एक्स की पावर 0, तभी तो वो 25 आएगा, एक्स की पावर 0 तो 1 है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो 25 कांस्टेंट है तो वो बाहर ही रहेगा, और यहाँ पे एक्स की पावर 0 का डिफरेंशिएशन, तो 0 जो पावर है वो बाहर आ जाएगा, तो इंटू 0 और एक्स की पावर 0 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1, लेकिन यहाँ पे एक्स की पावर माइनस 1 आया और ये पूरा इंटू हुआ 0 से, तो आंसर क्या आना है बच्चों, 0। यानी किसी भी कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन किसी के रेस्पेक्ट में भी हमेशा 0 होता है, तो इस बात को याद रखना हमेशा। तो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे फिर से कि y = k, k का मतलब कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो तो उसका dy/dx उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। अरे भाई जब वो चेंज ही नहीं हो रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज तो 0 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब वो कांस्टेंट है वो चेंज ही नहीं हो रहा है भाई, ये तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है ना, मतलब चेंज ऑफ वाई अपॉन चेंज ऑफ एक्स, लेकिन वाई का चेंज तो हो ही नहीं रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों, 0। इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, इस बात को हमेशा ही आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ, वो भी इससे रिलेटेड है, आप हमेशा याद रखिएगा कि y = constant × x^n। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो आपको dy/dx में कांस्टेंट को बाहर लिखना होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करना होता है, किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को बाहर कर दो और डिफरेंशिएशन कर लो अंदर वाले का जो वेरिएबल है, मतलब dy/dx = होगा x^n। तो dy/dx का वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, कांस्टेंट जो बाहर आ चुका है इंटू इसका रखेंगे तो n इंटू x^n-1। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कोई कांस्टेंट टर्म हो तो उस कांस्टेंट टर्म को आप कहाँ लिख लीजिएगा, बाहर, और फिर डिफरेंशिएशन के लिए, है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करना। तो ये आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, है ना। लेकिन अगर सिर्फ कांस्टेंट है और कोई वेरिएबल नहीं है तो फिर उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इस बात को अच्छे से याद रखना। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ी जगहों पे काम आता है, इसको भी याद रखेंगे। y = अगर आपको a की पावर x, a सम कांस्टेंट और कांस्टेंट की पावर x होगा, पावर में x है, सिंपल कांस्टेंट नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसकी पावर x है, x जो वेरिएबल है वो पावर में, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, इसका जो फॉर्मूला आता है डेरिवेशन के बाद, डेरिवेशन नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला रटो, तो ये होता है a की पावर x इंटू ln a, मैं आपको समझा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, नेचुरल लॉग है ये, नेचुरल लॉग है ना, तो इस बात का खास तौर पे ध्यान देना। फिर सिक्स्थ वाला फॉर्मूला, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, y = ln x अगर नेचुरल लॉग ऑफ x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो dy/dx = 1/x, है ना, तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो अच्छे से याद रखेंगे। फिर सेवंथ जो उसका फॉर्मूला है वो आप याद रखेंगे, अगर y = e^x होता है, y = e^x, तो आप dy/dx जब निकालेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा e^x, तो याद रखेंगे e^x का डिफरेंशिएशन e^x ही होता है ना, सबसे आसान फॉर्मूला है ये e^x का डिफरेंशिएशन e^x। फिर
फिर अगर हम एट्थ पे जाएं तो एट्थ पे आप देखेंगे तो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए, हमने लॉगरिथमिक फंक्शन देख लिया, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लिया, लॉगरिथमिक देखेंगे। तो dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। नाइन्थ y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस साइन एक्स, है ना। तो ये 9 फॉर्मूले हो गए, इसको लिखो फिर मैं आगे के फॉर्मूले बताता हूँ। तो बच्चों अब देखिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले पे आ जाते हैं। हमने 9 फॉर्मूले लिख लिए हैं। टेंथ वाला जो फॉर्मूला है उसमें y इज इक्वल्स टू टेन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। याद रखेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद इलेवंथ वाला, तो इलेवंथ वाला हो जाएगा y इज इक्वल्स टू सेक एक्स, है ना, कॉस का उल्टा। तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स वो होता है बच्चों सेक एक्स टेन एक्स। ये लास्ट के बच्चों को याद नहीं रहते, लेकिन आप ये याद रखना, आपको बड़े काम आ जाएंगे। तो जब भी क्वेश्चन थोड़े अजीब प्रकार के आएंगे तो ये फॉर्मूले यूज होते हैं, है ना। बच्चों को याद नहीं रहते हैं अमूमन, लेकिन आपको याद रखना है। अगर आप याद रखोगे तो आपको बहुत सहूलियत होगी, आसानी होगी। डी वाई बाई डी एक्स, अगर वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। याद रखेंगे, इसमें माइनस भी आता है सामने, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और जो आपका लास्ट फॉर्मूला है, अगर y इज इक्वल टू कोसेक एक्स हो जाए तो इसका डिफरेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स, इसमें भी माइनस आएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना बच्चों। अब मैं आपको ये, मैंने आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सिखा दिए, ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बनेंगे बहुत जल्दी जल्दी तेजी से। तो इन फॉर्मूले को आप याद करें अच्छे से, है ना। और हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो उनके लिए प्रॉपर्टीज सीखना पड़ेगी। तो हम नेक्स्ट क्लास में अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, लेकिन याद रहे कि प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं हो पाए तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला प्रॉपर्टीज में, है ना। इसलिए इस फॉर्मूले को याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप इसको याद करके रखिएगा, फिर मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन बताऊंगा जिससे न्यूमेरिकल्स बनेंगे।